तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेवल ब्लॉग्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेहताब बाग के बारे में और ब्लैक ताजमहल की हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ तक आप आ सकते हो ऑटो से। ऑटो इसके आगे नहीं जाते क्योंकि इसके आगे उनको पार्किंग वगैरह देनी पड़ती, तो वो आपको यहीं छोड़ देंगे। बाकी मेरे साइड में आप देख सकते हैं ये पार्किंग है, तो अगर आप अपनी फोर व्हीलर वगैरह से आते हैं तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी वगैरह भी अवेलेबल है, तो अगर आपके पास कोई कीमती सामान है जो आप लॉकर में रखना चाहते हैं तो लॉकर भी रख सकते हैं, और वॉशरूम फैसिलिटी भी है। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ताज व्यू पॉइंट। तो यहाँ से ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे पूरा मैप बना रखा है, आप देख सकते हो शहर का, आप रुक के देख सकते हो कहाँ पे क्या है। बाकी हर जगह की तरह आपको यहाँ पे ऑनलाइन ऐसे दिख जाएगा, आपको टिकट ऑनलाइन ही लेना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया है ऑनलाइन टिकट। अब अंदर चलते हैं और गार्ड को दिखाते हैं। टिकट का मैं आपको प्राइस बता दूँ तो मेहताब बाग की जो एंट्री फीस है वो 25 रुपये है इंडियंस के लिए, बाकी 200-300 रुपये है फॉरनर्स के। तो आप स्कैन करके देख सकते हो, सब उसमें शो कर देता है। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इसमें क्या है। बाकी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिखा दिख जाएगा इसके बारे में, और यहाँ पे शौचालय टॉयलेट की काफ़ी फैसिलिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी यहाँ की। तो अब हम आ गए हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे गार्डन दिख जाएंगे आपको यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए, जहाँ पर आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड वगैरह कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह थी, इतना कुछ खास था नहीं यहाँ पे, आप आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो बस। और बाकी ठीक सामने आपको ताजमहल दिख जाएगा जिस व्यू पॉइंट की बात कर रहे थे। मतलब व्यू पॉइंट तो इसके आगे है, वह यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, तो अब वहाँ पर पैसे वेस्ट ना करके आप यहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू ले सकते हो। आप ठीक सामने में देख सकते हो ताजमहल है। तो पहले के टाइम पर यही फ्रंट साइड हुआ करता था, और जो राजा महाराजा थे वो यमुना नदी के रास्ते से ही ताजमहल के अंदर जाते थे। फिलहाल अब ये बैक साइड बोलते हैं लोग, फ्रंट इसकी एंट्री आगे है। तो अब हम आ चुके हैं काले ताजमहल के पास। ये जो नीचे आप नींव देख रहे हो, ये काले ताजमहल की नींव है जो कि शाहजहां अपने लिए बनवाना चाहता था। जैसे कि आप जानते हो कि उन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज महल के लिए, तो वैसे ही वो ठीक इसके सामने यमुना नदी के उस पार था सफ़ेद ताजमहल, यमुना नदी के इस पार ठीक उस ताजमहल के सामने वो अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। बट इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी हो पाती, उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया, और उनका ये काला ताजमहल बनाने का सपना एक सपना ही रह गया। तो ये उसी चीज़ की नींव है जो आप देख रहे हो। तो ये सामने यमुना नदी है जो कि काफ़ी सूख चुकी है, आपको थोड़ा बहुत पानी दिख जाएगा, ये काफ़ी दूर है, तो काफ़ी हद तक ये नदी सूख चुकी है। तो यहाँ साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कमरे से बने, जिसके अंदर हमने देखा तो कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे इतना कुछ खास था नहीं। तो इसको देखने के बाद हम वापस चले गए ताजमहल की तरफ को, और सनसेट होने का वेट किया। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि उस पार चलता हूँ, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोहे के तार वगैरह हैं। इसका मतलब है कि आप उस पार नहीं जा सकते क्योंकि ये यमुना रिवर का एरिया है, तो इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। फिर मेरे को पता नहीं था कि इसके आगे हम जा नहीं सकते, इसलिए मैं आगे चला गया। मैंने सोचा कि उस पार जाके देखता हूँ, वहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह है, बट लोकल जो लोग थे उन्होंने मेरे को मना कर दिया वहाँ जाने के लिए, जो कि आप देखोगे अभी आगे वीडियो में। यहाँ नहीं आ सकते? अच्छा, सामने कैसे जाएंगे? नहीं जाने देते? तो यहाँ पे मुझको जाने के लिए मना कर दिया जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो मैं वापस आ गया। शायद ये जो आपको तार दिख रहे सामने, ये इसीलिए लगा रखे कि जिससे कि लोग उस पार ना जाएं। तो
जब उन्होंने मना करा तो फिर मैं वापस आ गया, कोई मना कर रहा है तो वहां जाना सही नहीं रहता। तो यहाँ से व्यू देखो आप, ठीक सामने ताजमहल है, बीच में यमुना नदी है, और पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा इसी रूट से आया करते थे, ये फ्रंट साइड थी, और सामने सनसेट हो रहा है, उसके ठीक सामने आपको ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल दिख जाएगा। फिलहाल अभी इसकी नींव भरी गई थी, इससे पहले कि ये बनता, शाहजहाँ के बेटा औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया, जिसकी वजह से नहीं बन पाया। तो अब हम वापस जा रहे हैं, यही था यहाँ पर देखने के लिए। आप देख सकते हो रात भी हो चुकी है, तो इस समय ये पार्क को बंद कर देते हैं। अब मॉर्निंग में खुलता है और रोज शाम को ये बंद हो जाता है 5-6 बजे के आसपास, और गार्ड वगैरह जाते हैं अंदर और सबको बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। तो अब हम भी वापस जा रहे हैं, व्यू देखो अब यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। तो अब हम जा रहे थे वापस रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर हमें याद आया कि जो आगरा की बहुत ही फेमस चीज़ है पेठा, तो उसको यहाँ से लेके चलते हैं। काफ़ी फेमस चीज़ है आगरा का पेठा, आपने सुना भी होगा। तो हम यहाँ पर आ गए थे आगरा का पेठा लेने के लिए। सामने आप दुकान देख रहे हो, काफ़ी सारी दुकानें हैं, आप कहीं और से भी ले सकते हो। और अब पेठा लेने के बाद हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, ये एंट्री है, यहाँ पे बैरिकेड दिख जाएंगे आपको। बाकी अब चलते हैं अंदर, अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन तो हमारी सुबह है, तो मैं यह पूरी रात यहाँ स्टेशन पे अभी वेट करना है। और यहाँ पे आपको आई लव आगरा लिखा हुआ दिख जाएगा, आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए आई लव आगरा के साथ। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कोई बढ़िया सी जगह जहाँ बैठ के हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये अगला दिन है, इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आनी है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हरिद्वार के। तो हम जा रहे हैं आगरा से हरिद्वार। तो ये आ गई हमारी ट्रेन। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई सीरीज़ में किसी नई व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।